सीधा खोलते हैं। सैंडिस्क इसलिए लिया हूँ क्योंकि देखिए इसमें भी ये भी एक मेमोरी, ये तो बॉक्स है, इसके अंदर में SD वगैरह है, तो ये सब सारा है। इसमें भी सैंडिस्क, ज़्यादातर सैंडिस्क ही है। सबसे पहले ये लिया था इमिटेशन का, ये हार्ड डिस्क है, तो अभी भी चल रहा है ये, लेकिन काफ़ी स्लो है, बस वही है और स्पेस कम है। और ये सोनी का है, मैंने टेप लगा कर रखा है, मेटल मेटल लगने से क्या होता था, एक ईरी वाला साउंड आता है, इसीलिए मैंने ये इसमें कागज़ डाल के रखा है। ये भी 1 TB का है, तो ये भी काफ़ी साल से अभी अच्छा ही चल रहा है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एडिटिंग करने पे थोड़ा फास्ट काट मांगता है ये सब, मतलब अभी हार्ड डिस्क जो है वो इतना नहीं दे पाता। 1 TB सोनी से भी मैंने कोशिश किया था, लेकिन बहुत स्लो हो जाता है। उसके बाद में मैंने ये लिया था सैंडिस्क का, अच्छा लगा मुझे ये 550 MBPS कुछ ऐसा था, ये भी 1 TB है। और उसके बाद में फिर ये सैमसंग, ये भी 1 TB है, ये हो गया सैमसंग पोर्टेबल SSD T7 है, T7 आपका थोड़ा सा ऊपर वाला मॉडल है, इससे भी टच वाला भी आता है, वो टच वाला नहीं है ये, तो ये भी 1000 MBPS का आसपास देता है, रीडेबल रीडेबल दोनों। सैंडिस्क यूज़ करने के बाद सेटिस्फाई है, मतलब इसमें और रिलाई भी कर सकता है, इस रिलायबिलिटी मतलब अच्छा है सैंडिस्क का। और ये इस बार फिर सैंडिस्क का ले लिया, इसमें तो MRP बहुत हाई दिखा हुआ है, मतलब अमेजन में इसका ऑफर चल रहा है, तो डिस्काउंट प्राइस में मिल गया था। बस अंदर का एक बार खोल के देखते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे इसका ना। वाह, ये तो सेम है, ये भी 2-2.5 साल तो हो ही गया, मैंने इसका प्लास्टिक भी नहीं हटाया अभी तक, मतलब इसमें क्या बैग वैग में डालने से ये थोड़ा सा प्रोटेक्शन देता है इसको। इसमें भी सेम, ऊपर से डाउन देखने में सेम है। पहले देखते हैं अंदर बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो ये मैनुअल बुक हो गया, यूजली और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसमें स्विचेस वगैरह होता है थॉरली पढ़ता हूँ, तो इस केस में मुझे इतना पढ़ने का नहीं है इसको। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक मेमोरी कार्ड है, बुकलेट है, और ये आपका केबल, केबल भी टाइप C2C डाटा केबल है ये। पावर केबल और डाटा केबल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, चिप्स रहता है इसके अंदर में, ए टाइप से सी टाइप भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों है। ऐसे रखते हैं, तो 3 वेरियंट है इसमें, एक नॉर्मल सैंडिस्क SSD हो गया, और ये हो गया सैंडिस्क एक्सट्रीम, और एक आएगा सैंडिस्क एक्सट्रीम प्रो। तो इसमें रीड राइटेबल मतलब लगभग 550 या 80 कितना MBPS पर सेकेंड डाटा ट्रांसमिट करेगा इससे। और ये वाला हो गया आपका लगभग 150-1000 रीडेबल राइटेबल डाटा ट्रांसफर होगा इससे। और एक आता है 2000 MBPS। साइज़ कंपेरिजन में देखिए, का जो बनावट है एकदम बिल्कुल से सेम है, ज़रा डिफरेंस नहीं है, मटेरियल सेम है, और यहाँ थोड़ा सा नहीं, ये भी सेम है, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, और ये रबराइस है, साइड में रबर है, रबराइस है इसमें, साइड में रबराइस है इसे। और यहाँ पे भी 1 TB लिखा हुआ है, 1 TB इसमें सैंडिस्क एक्सट्रीम पोर्टेबल, इसमें भी सैंडिस्क एक्सट्रीम पोर्टेबल। तो पुराना वाला में मेड इन नहीं लिखा हुआ है, कहाँ का प्रोडक्ट है वो नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ मलेशिया। तो ये वाला जो 1000 MBPS है उसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ मलेशिया, इसमें लिखा नहीं है मतलब कहाँ का मेड है और कहाँ का प्रोडक्ट है। सैंडिस्क जो लिखा है ये थोड़ा सा सिल्वर वाइट कलर का है, और ये क्रोम टाइप में है, यही डिफरेंस है सैंडिस्क में, ये नॉर्मल वाइट है और ये क्रोम में है सैंडिस्क लिखा हुआ। शायद वीडियो में साइज पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये हल्का छोटा है, थोड़ा सा छोटा है, और ये होल भी थोड़ा ये बड़ा है, ठीक है, ये होल थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, मतलब साइज में ओवरऑल थोड़ा छोटा है ये। और साइड से देखा जाए तो साइड से तो दोनों सेम है, ये जो एज है यहाँ में पूरा अच्छा से स्मूथ करके कर्व है नया वाला में, और जो पुराना वाला में थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट सरफेस आ रहा है, तो ऐसे स्मूथ बिल्कुल से राउंड नहीं है एज, तो ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, बस बस सैंडिस्क का यही है। हार्ड डिस्क ड्राइव ये हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एक चीज़ मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, जो सैंडिस्क का जो भी मेमोरी कार्ड आ रहा है उसका आप बेफिक्र होकर आप ले सकते हैं, और क्योंकि मैंने इतना सारा भी यूज़ किया तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप anyone looking for a good memory card, you know, you can just close the eyes and with no second thought you can directly go and buy SanDisk or even Samsung. मेरा सजेशन के हिसाब से, और बहुत सारा ब्रांड है, आप यू कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ ब्रांड, बट SanDisk फॉर मी एज ऑफ नाउ आई फाइंड इट वेरी रिलायबल। और मुझे ये थोड़ा सा रागिद टाइप का चाहिए था, मैं थोड़ा सा इस मामले में ना इतना निक पिक नहीं है, मतलब मेरा हाथ से छूट फूट जाता है, तो इसलिए मुझे ये थोड़ा सा रिलायबल लगा। साउंड आ रहा है अंदर से, फटा हुआ साउंड, ये नया सा ही था, इसमें थोड़ा सा
एकदम टाइट से एक महसूस आ रहा है हमें, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है लगता है अंदर में इसका साउंड जो, और ये वाला साउंड है थोड़ा सा मूविंग पार्ट्स है लगता है, या तो मूविंग पार्ट्स नहीं मतलब एक लूज पार्ट कुछ है जैसे लगता है। ये ओवर टाइम नहीं हुआ है, जिस टाइम पे परचेस किया था उसी टाइम से ये साउंड है ये वाला। एक दिन तो शायद इसको मैं फाड़ के देखूँगा, और काम कर रहा है तो कर रहा है, जिस दिन काम करना बंद करेगा उस दिन फाड़ के देखूँगा इसको। और ये हो गया। अच्छा, इसका कंपेयर थोड़ा कर देते हैं, और जिसके पास ये वाला है सैमसंग T7 आप देख लीजिए डिफरेंस, ये ऐसा आता है इस साइड से। ये थोड़ा सा स्लिम है, मतलब कॉस्टली लगता है इसको देखने से, एक रिच लुक है इसमें, वही रगिड वाला लुक है तो थोड़ा सा मतलब क्या बोलेंगे इसको, थोड़ा सा मॉडर्न लुक है। ये थोड़ा सा क्लासिक टाइप का हो गया, एकदम से क्लीन। इसका साइज़ हो गया आपका थोड़ा सा स्लिम है, और वेट वाइज ये फुल्ली मेटल है, ऐसे हाथ में पकड़ने में सेम लग रहा है, हाइट में इतना डिफरेंस है, लेकिन दोनों ठीक है यार, ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं है। बस तो यही था आपका अनबॉक्सिंग, इतना सा ही है और ज़्यादा बोलने का नहीं है, कोई कंपैरिजन वीडियो भी नहीं था, बस मैंने एक SSD लिया हूँ। इसके बहुत सारे एडवांटेज है SSD लेना, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, डायरेक्टली गो फॉर सैंडिक्स और सैमसंग, बस यही है। और क्या दिखाना है, बस थैंक्स फॉर वॉचिंग। चाइनीज में लिखा हुआ है पहले देख नज़र में, तो मैं उल्टा पढ़ लिया इसको, ये होना चाहिए माइक्रोफोन बूम आर्म अटैच टू अ डेस्क वाया इस सी क्लैंप। 1 किलो 364 ग्राम पड़ेगा इसका। चलो किताब बोर हो गया, और ये इसका नाम हो गया माइक्रोफोन बूम आर्म, और चाइनीज में लिखा हुआ है माइक्रोफोन बूम आर्म। चलिए ये हो गया बुकलेट इसका, सीधा तो सी क्लैंप, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ, कटआउट देख के तो लगता है ऐसा कुछ सामान था होगा इधर में, ऐसा कुछ नहीं है जैसे अभी खोला है सामने में। मैंने जो फोटो देखा था फोटो में एक्चुअली यहाँ पे ये वाला हैंग करने का था ऐसा, मतलब आप ये डेस्क में लगेगा और यहाँ पे ये हैंग करेगा, थोड़ा सा लंबा लीवर आता है इधर में ऐसा हैंग करने का लगभग इसका जैसा, तो वो नहीं दिख रहा है, तो नॉर्मल सी क्लैंप है। इसको निकाल के वो हल्का है, तो मटेरियल तो पूरा हैवी बिल्ड है, मैट फिनिश टाइप का है ये भी, इसको भी बताऊंगा रुकिए, पहले तो इसको देख लेते हैं। बिल्ड वाइज तो अच्छा ही है, और अच्छा होना भी पड़ेगा क्योंकि काफ़ी महंगा आया है ये, जो मैंने मंगवाया था वो नहीं आया, दूसरा कुछ और ब्रांड आ गया। सॉलिड है, और मटेरियल वाइज तो अच्छा ही लग रहा है, पता नहीं क्या एलॉय मटेरियल है या एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम लग रहा है इसको यार, ये थोड़ा सा डुप्लीकेट आ गया। तो मैंने काट के देखा है तो ये थोड़ा सा ऐसे छीलने पे ना नाइफ से कट जाता है, मतलब कि ये एल्युमिनियम है, ये ब्रास होना चाहिए था ये ना, यहाँ ऐसा लग जाएगा और ये टाइट कर सकते हैं आप। तो अभी इसको थोड़ा सा ट्रायल करते हैं हम लोग, ट्रायल मतलब यहाँ लगाने की कोशिश करेंगे, ये पोर्शन में हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। इतना वेट भी वो ले सकेगा कि नहीं, ये भी नमूना सिर्फ दिया हुआ है, फुल टाइट देने से थोड़ा जाम हो रहा है बस, ये है बाकी फिनिश वाइज तो ये एकदम अच्छा है, स्मूथ है, ये लॉक भी ठीक ही है, इतना ख़राब नहीं है, ठीक ही है। और जैसे मैंने कहा है ये वाला जो आ रहा है ये जो थ्रेड, ये एल्युमिनियम है, मतलब एल्युमिनियम होना मतलब देखो ये थोड़ा सा अभी ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं है, तो बिल्कुल हल्का सामान दे दीजिए, ब्रास नहीं है ये एल्युमिनियम है, तो अगर इसको ज़्यादा टाइट देगा आप ये थ्रेड पर स्लिप होने का 100% चांसेस है कि स्लिप हो जाएगा ये,
चलो ठीक है, ये माइक वाला आइटम में तो इतना था, क्योंकि ये देखिए वन टाइम परचेस है, वन टाइम परचेस इन ए सेंस थोड़ा सा मैंने एक्सपेंसिव वाला इसलिए खोजा था क्योंकि एक बार मैं ख़रीदूँगा और इसको थोड़ा सा लंबा चलाऊँगा। लेकिन अब इसका जो मटेरियल देख के ना, ये बाकी ये वाला पोर्शन ठीक है, ये जो एल्बो वगैरह जॉइन है इस वाला जगह, ये थोड़ा प्लास्टिक का है तो मुझे इतना भरोसा नहीं आ रहा है, केवल हाइट करने का जगह दिया हुआ है। ये क्लिप मतलब अच्छा लग रहा है, तो सेटिस्फैक्टरी लग रहा है, मतलब टक टक बन हो रहा है। ये देखिए तो इसके अंदर केबल जाएगा, तो मैंने जो बताया तो उस हिसाब से तो ठीक है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा सा डाउन है, मटेरियल वाइज एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रहा। ये सी क्लेम ये रहा, मतलब इतना ख़राब भी नहीं है, लेकिन जो प्राइस है प्राइस के हिसाब से मुझे इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। एटलीस्ट ये वाला हिंजेस वगैरह थोड़ा सा मेटल एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, ये सब थोड़ा मेटल एक्सपेक्ट कर रहा था, ये भी मेटल का नहीं है, ये भी प्लास्टिक है, और ये टाइट करने पे फुल टाइट नहीं हो रहा है, नमूना गिर गया हुआ है ये बस। तो यही था आपका बूम आर्म का माइक स्टैंड, बूम माइक स्टैंड बोलो या बूम आर्म बोलो, बस यही था। थैंक यू।